गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम है कश्मीर में। और आज से इंडिया राइड स्टार्ट हो रही है। अभी हम दिल्ली से जा रहे हैं इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में। अभी हम है उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर मिर्जापुर में। तो भैया यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है रांची शहर में आपका हार्दिक स्वागत। सर हम आ गए हैं मंदारमणि के सी बीच पे। हमारे पीछे है समंदर। ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स इन द राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम है समंदर किनारे बसा हुआ श्री भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में। तो ये हमारे पीछे है तीन रथ। इसी रथ में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। बालभद्र भगवान जगन्नाथ के भाई हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। ये तीनों बैठकर यहां से जाते हैं गुंडीचा टेम्पल। हाँ भाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आया था डुडुमा वाटरफॉल पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो उड़ीसा से हैं और इनका एक मैसेज है आप सब के लिए। उड़ीसा मचकुंड से आपको स्वागत जनाऊ शुभम को। वेलकम टू शुभम, स्वागतम शुभम। तो भाई हम आ गए अपने दोस्त के घर पे और ये है कृष्णा। अगर आपने हमारी केदारनाथ की वीडियो देखी होगी तो ये वही बंदा है जो थोड़ा थक गया था ऊपर पहुंचने। और आज प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है साउथ इंडिया राइड। ही इज विजय, बेसिकली इज राइड विद। अभी वो लोग कमेंट करेंगे कितने बार बोलेंगे भाई इसका नाम हमें मालूम है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स इंडिया राइड के आज के इस एपिसोड में अभी हम है चेन्नई में। इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम है पॉन्डिचेरी। ये है सामने टेंपल, हर हर महादेव। तो यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। ये है आपका यू टर्न। ये है दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में है, रामेश्वरम भी तमिलनाडु में है। लेकिन जो डिस्टेंस है वह करीब करीब 300 किलोमीटर का है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिया का लास्ट पॉइंट या लास्ट लैंड या इंडिया श्रीलंका बॉर्डर धनुषकोडी दिखाया। और आज हम रामेश्वरम से जा रहे हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप हाईवे के थ्रू जा सकते हो और एक कोस्टल बीचेस के थ्रू जा सकते हो। लेकिन आज जो हम निकल रहे हैं थोड़ा सा लेट हो गया है, 3:30 के आसपास बज रहे हैं। तो जाने में थोड़ा ऐसा पहुंचने में रात हो सकती है, 8-9 बज सकते हैं। तो आज हम शायद कोस्टल बीच को अवॉइड करके हाईवे से ही जाएंगे। लेकिन आज की हमारी इस राइड की शुरुआत हो गई है, तो आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और अगर आज देखा जाए तो आज जब हम कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे तो आज हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक बड़ा सा राइड, बहुत बड़ा राइड पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमने इस राइड पे कश्मीर से स्टार्ट किया था, कश्मीर से हम दिल्ली आए, दिल्ली से हम बनारस गए, बनारस से पहले मिर्ज़ापुर, फिर वहाँ से गए हम झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद विशाखापट्टनम, फिर छत्तीसगढ़, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई और अब कन्याकुमारी।
तो ये कश्मीर टू कन्याकुमारी जनरली जो लोग करते हैं वो इंडिया के जो मिडल जो लैंड्स हैं उसको क्रॉस करके करते हैं। कश्मीर आए, फिर दिल्ली आए, फिर एमपी आए, फिर हैदराबाद आए, फिर बैंगलोर आए, फिर तमिलनाडु आए, फिर कन्याकुमारी आ गए। लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से किया, अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हुए। तो इसको करने में करीब करीब 10,000 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज दो राइड कंप्लीट होने वाला है, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड ईस्टर्न कोस्टल राइड। ये है यार यहाँ का पंबन ब्रिज, अगर आप ये देखोगे तो ये इसके बीच से रेलवे ब्रिज जाता है इसके जस्ट साइड से। और ये जो रेलवे ब्रिज है, जब कुछ बड़ी शिप को यहाँ से क्रॉस करना होता है तो ये दोनों मतलब अपने ये खुल जाता है, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड कर लेता है और जिसके कारण यहाँ से शिप क्रॉस कर जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। कभी आप ट्रेन की जर्नी से इधर आएंगे रामेश्वरम तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप समंदर के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। तो अब यार हम रामेश्वरम को छोड़कर आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर हम, रामेश्वरम एक ऐसा मतलब आइलैंड है इंडिया का जो रोड से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो इसी रास्ते से आपको वापस आना पड़ेगा। तो कल हम इसी पॉइंट पे थे और राइट साइड से हम आए थे, लेफ्ट साइड को हम जा रहे हैं, राइट साइड से हम आए थे फ्रॉम ट्रिची और अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड को, पकड़ेंगे तो चले जाएंगे टुवर्ड्स कन्याकुमारी। और ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो ये टोटल ट्रिप रहा है मेरा, बहुत ही खूबसूरत रहा है। आपको याद होगा कश्मीर जहाँ पर हमने गुरेज वैली देखा, बहुत ही खूबसूरत। गुरेज में हमने इंडिया पाकिस्तान को बहुत ही पास से देखा था, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को बहुत ही पास से देखा था। दोनों आसपास के जो सैनिक थे वो आसपास थे, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी आपस में मतलब करीब 1 किलोमीटर से भी कम के डिस्टेंस में है। गुरेज के बाद हम चले गए थे टीटवाल। टीटवाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इंडिया में रह के पाकिस्तान के लोगों को देख सकते हैं, थोड़ा ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे तो उनसे बातें भी कर सकते हैं, उनकी बातें सुन भी सकते हैं। कश्मीर से निकलने के बाद हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर हम लखनऊ की तरफ बढ़े और लखनऊ के बाद हम आ गए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह थी मेरे लिए, जो मैंने मिर्ज़ापुर का एक इमेज बनाया था अपने दिमाग में, उससे बिल्कुल ही अलग मिर्ज़ापुर निकला। मिर्ज़ापुर में बहुत सारे टेंपल्स हैं, मिर्ज़ापुर में गंगा माँ बहती है और मिर्ज़ापुर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। मिर्ज़ापुर के बाद हम गए बनारस। बनारस में हमने सारे घाटों को देखा, जितने भी घाट थे वहाँ, 84 घाट तो लोग कहते हैं लेकिन जितने भी घाट हैं हमने सबको देखा एक एक करके। और उसके बाद आया एक ऐसा खूबसूरत स्टेट जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि झारखंड इतना ज़्यादा सुंदर है। झारखंड की खूबसूरती देखकर मैंने सच में दांतों तले उंगली दबा ली। इतना सुंदर, इतना ग्रीन, इतना अमेजिंग झारखंड होगा मैंने सोचा भी नहीं था। झारखंड के बाद सबसे पहला स्टेट जहां पर मैंने समंदर देखा इस राइड पर, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, मंदारमनी और दीघा। हालांकि आपको याद होगा दीघा में एक सीन भी हो गया था कि भाई वो रहने नहीं दे रहे थे सिंगल पर्सन को, फिर मैं मंदारमनी गया और वहाँ पर मंदारमनी के सारे प्लेसेस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, घूमा। तो इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के बाद हम आ गए उड़ीसा, पुरी। पुरी में जगन्नाथ धाम के दर्शन हुए हमारे और पुरी का बीच देखा, मरीन ड्राइव देखा, बहुत ही खूबसूरत रह रहा था यार ये सफ़र। और इसके बाद हम पहुँच गए पुरी से चिल्का लेक होते हुए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अभी तक के साउथ इंडिया राइड में वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहा है मेरा। इतने सुंदर सुंदर बीचेस देखे मैंने, याराडा बीच, सेताफलम बीच, और इन सब को घूमने में मेरा हेल्प किया था विवेक भाई ने बहुत अच्छे से मुझे घुमाया, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ। विशाखापट्टनम के बाद हम गए इंडिया के नायग्रा फॉल को देखने, जिसका नाम है चित्रकोट वाटरफॉल। और इंडिया के नायग्रा फॉल को देखने के साथ साथ हमने देखा तीरथगढ़ वाटरफॉल। इन दोनों वाटरफॉल को देखने के बाद ये इतने खूबसूरत थे, इतने अमेजिंग थे कि मैंने इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना ह्यूज वाटरफॉल अभी तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा था। इसके बाद हम आ गए हैदराबाद और हैदराबाद में जो हमने बिरयानी खाई है भाई,
मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बिरयानी खाई है हैदराबाद में। हैदराबाद के बाद फिर हम श्री सैलम गए, मल्लिकार्जुन जी के दर्शन किए और वहाँ से पहुँच गए चेन्नई। हालांकि चेन्नई को गर्मी की वजह से हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन चेन्नई से पौंडीचेरी आके पौंडीचेरी के बीचेस को बहुत ज़्यादा ये से देखा, एक्सप्लोर किया, मज़ा आया। पौंडीचेरी के बाद हम आए रामेश्वरम और अब हम रामेश्वरम से जा रहे हैं यहाँ से कन्याकुमारी। तो थोड़ा सा रात हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे आसपास व्लॉग करने से अच्छा है थोड़ा स्टोरी सुनाते हैं आपको कि अभी तक क्या क्या हुआ है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे वीडियोस पे सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस को देखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई देने का। बट इस राइड पर राइड करते हुए और वीडियो एडिट करते हुए कमेंट्स को इतना इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए आई एम सो सॉरी बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि सबसे बात हो। YouTube पर हम 241,000 से ज़्यादा हो गए हैं, Facebook पे हम 766,000 से ज़्यादा हो गए हैं और Instagram पर हम 88,000 से ज़्यादा हो गए हैं। आप सब चाहो तो इसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट ला सकते हो, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इतना भी सपोर्ट दिया है, मेरे लिए बहुत है, बहुत नहीं है वैसे और चाहिए। तो आज हम सीधा यहाँ से पहुँचेंगे कन्याकुमारी और रात का टाइम है तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिखे नहीं, इतनी लाइट तो है नहीं अपने पास। तो भाई मैं आ गया था कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में आकर मैंने एक रूम भी कर लिया था, होटल का नाम है होटल राजा पैलेस। और क्योंकि कल रात में हम लेट आए और कल रात में हम लेट सोए, इसीलिए आज हम लेट जगे। अभी सन राइज हो चुका है, दिन ढल चुका है, सनसेट होने वाला है। ये शाम तक नहीं सो रहा था मैं, कुछ काम वाम भी कर रहा था, वीडियो एडिटिंग। तो कन्याकुमारी इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स, सनराइज सनसेट। तो सनराइज तो मिस हो गया, सनसेट देखने चलते हैं। यार मैंने तो सोचा था मस्त सनसेट हो रहा होगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही क्लाउडी वेदर है जिसके कारण सनसेट पहले ही हो गया समझ लो। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। तो यहाँ से कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं, बहुत फोर्स में लहरें आती है और इन पत्थरों से टकराती है और क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। हालाँकि सनसेट हो गया है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही होगी मेरी। और ये है कन्याकुमारी बीच। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन तीनों आकर मिलती है। तो यहाँ पर देखो कन्याकुमारी में क्या क्या मिल रहा है। ये शंख है ना, एंड दीज ऑल आर स्नेल्स, वो सारे। तो ये देखो, ये आपने पकड़ा है तो कैसे, मतलब समंदर में या फिर यहीं बीच पे? मच्छी के जाल से मिलता है ये, 300 में देता हूँ भैया, पूरा 300 पूरा कंप्लीट दे रहा है।